मेरा नाम किरण शर्मा है और मैं कोराईबरी मॉडल लर्निंग सेंटर में टीचर कर रहा हूँ। तो मेरा एज अभी 26 है। ये अभी कोराईबरी में है, मतलब जैसे कि यहाँ इस कोराईबरी विलेज का बच्चे पढ़ते हैं जो कि जो स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत है। यहाँ के लगभग स्कूल जाने के लिए यहाँ पे स्कूल नहीं था। जो द एंड ऑर्गेनाइजेशन ने स्कूल इस्टेब्लिश किया उस पर यह गाँव का कम्युनिटी के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे बहुत दूर से आना पड़ता है, लगभग 3 किलोमीटर से भी दूर से आते हैं बच्चे। जब आते समय कभी बारिश के मौसम होता है तो ज़्यादा बारिश हो जाता है, आ नहीं पाते। ठंडे के मौसम में भी ऐसा होता है कि वो लोग अच्छी खा नहीं पाते, अच्छी तरह से सो नहीं पाते, तो इसलिए उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है। मेरा नाम सुनील सूत्रधर है और मैं ये करते हूँ एजुकेशन फैसिलिटेटर। तो मैं ये कोराईबरी MLC को बीच बीच में आकर विजिट करते हैं। इन लोग कैसा चलाते हैं, कैसे क्लास करते हैं, रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, जो ट्रेनिंग में मिला है वो यहाँ पे इम्प्लॉय हो रहा है नहीं, ये देखता हूँ। तो मेरे अंडर में MLC एक ही है और FLC बोल नाम का फॉरेस्ट लर्निंग सेंटर वो 5 है, अभी एक नया ऐड किया है। और RLC रिमीडियल लर्निंग सेंटर वो 9 है। तो ये 9 पास और एक देखता हूँ। पराईबरी में ऑल आदिवासी है, संताली कम्युनिटी का है। और कोई कोई ऐसा भी है जहाँ पे मिक्सर होता है, नेपाली संताली राजवंशी सूत्रधर ऐसा होता है। और कुछ कुछ सेंटर है ओनली बोडो है, FLC ऐसा बोडो है, जैसे कि पातालसाना, नॉर्थ शिमलागुड़ी, आखीगुड़ी, ये सब बोरो है, इसमें मिक्स नहीं होता है, ओनली बोडो होता है। जैसे कि मिक्सर होता है भांगापारा और देवश्री ऐसे। और जो RLC में है वो भी कम्युनिटी वाइज है। इस एरिया में बोडो का है और इस एरिया में आसामीस होते हैं, इसमें आसामीस क्लास होते हैं। मेरा तो आसामीस है लैंग्वेज, जैसे कि असम का आसामीस लैंग्वेज में मैं फोकस रखता हूँ। अच्छा, तो क्या यहाँ पे बच्चे हैं जो आसामीस पढ़ते हैं या आप जो आदिवासियों के बच्चे हैं उनको भी आसामीस सिखाते हैं? हाँ जी, यहाँ पे तो देखा जाए तो ज़्यादातर आदिवासी संताली कम्युनिटी का है और छोटा छोटा है, अभी 5 साल से इधर 15-14 साल तक है। और सबको ये लैंग्वेज के बारे में इतना मालूम नहीं है, उनको बेसिक से हाई तक मतलब एडवांस करवाते हैं, उसको ट्रांसलेट अगर उसको पता भी नहीं है कोई बड़ा स्टैंडर्ड का सी क्लास 4 और 5 का, तो वो सबको थोड़ा उसको दोहरा कर फिर ट्रांसलेट करके उसको समझाते हैं। उन लोगों को खुद का लैंग्वेज में बोलने से उन लोग समझ जाते हैं, जिसके कि हमारे लर्निंग मटेरियल TLM होता है, कभी कभी कार्ड वगैरह जो पिक्चर चार्ट होता है उसके थ्रू हम उन लोगों को सिखाते हैं। जैसे कि हम दूसरे स्कूल से जैसे सिखाते हैं हम थोड़ा अलग से सिखाते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं सिखाते, वो लोग को हम कुछ कार्ड देते हैं तो पूछते हैं कि वो लोग खुद पूछता है कि हमसे ये क्या है, तो हम बता देते कि ये ऐसा लैंग्वेज है, तो वो लोग को तुरंत में आ जाता है कि ये ऐसा है, कि उन लोगों ने वो कार्ड खुद चॉइस किया है, तो उन लोगों के मन में रहता है कि ये ऐसा है, तो उन लोगों को याद जल्दी याद रहता है। जैसे कि डिजिटल लर्निंग में मेरा एक मोबाइल और लैपटॉप है, मैं वो कभी कभी ला के उन लोगों को वीडियोस दिखा के, जैसे कि रैम्स वगैरह दिखा के उन लोगों को थोड़ा वो आकर्षित करने का कोशिश करता हूँ, जैसे कि उसमें थोड़ा भी जान ले। नेटवर्क का इशू तो बहुत ज़्यादा है, तो डिजिटल होने में बहुत मुश्किल ही होता है, जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं मिलता है, और अगर फ़ोन करना है तो फ़ोन भी नहीं लगता है, नेटवर्क का बहुत इशू है, नेट का इशू है, तो डिजिटल में इतना वो नहीं हो सकता। नया नया कुछ हम लोग लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं, तो क्या क्या प्लान करते हैं, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और उसमें कितना एन्जॉयमेंट है वो, मतलब ज़्यादा उसमें वो लोग प्रभावित होते हैं, वैसे करके वो लोग
पढ़ते हैं, जैसे कि एक ही पढ़ा रहे तो रोज मतलब कोई चेंज नहीं हुआ तो उन लोग का थोड़ा मतलब माइंड भी वो होता है। तो टीचर स्टूडेंट लर्निंग वाला हाँ ज़्यादा से हाँ जी चलिए ऐसा है MLC में ही जो बुक्स होता है वो मिलता है, लेकिन बाकी फॉरेस्ट सेंटर में बुक्स तो नहीं मिलता है, कोई कोई खुद खरीद लेते हैं और कोई हमारे टीचर खुद लिखते हैं ये सिखाना है। मैक्सिमम बुक से नहीं है, जो सिखाना है बच्चे को वो मेंटेन करते हैं। और हमारे एन से भी एक बुक्स जैसे बना दिया है क्या क्या सिखाना है तो वो फॉलो करता है। जैसे ये ऑर्गेनाइजिंग आने से पहले जैसे कि इतना अंदर में गवर्नमेंट स्कीम आना या गवर्नमेंट स्कूल होना बहुत मुश्किल था, तो जैसे कि अभी एंट आया, एंट की वजह से यहाँ स्कूल इस्टाब्लिश हुआ, तो यहाँ के जो गांव के लोगों को बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उन लोगों को नहीं पढ़ पाते थे, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता था, अभी यहाँ 2-3 किलोमीटर में हो गया, तो उन लोगों को बहुत अच्छा हुआ। ताकि एंट सिर्फ यही नहीं देख रहे, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी काम करती है, तो उन लोग उसके थ्रू भी बहुत अच्छा हुआ है अभी तक। सफिशियंट तो नहीं है, लेकिन तो भी कुछ तो करना कर रहा है, तो कुछ तो मिल रहा है, तो जितना मिलना है इतना तो कोई भी नहीं नहीं सकता है, गवर्नमेंट तो नहीं सक रहा है अभी तक, तो एक NGO कैसे दे सकते हैं। हम स्कूल में आते 8:30 बजे से पहले हम स्कूल में अटेंड हो जाते हैं, तो स्टूडेंट 9 बजे से हमारा असेंबली होता है, 9 बजे से 9:30 बजे तक असेंबली होता है। असेंबली में होता है जैसे कि प्रेयर होता है, फिजिकल एक्सरसाइज होता है, और ऐसे क्विज होता है, और हमारे एड है लोकल न्यूज, जैसे कि जो भी देखा स्टूडेंट ने लोकल न्यूज वो यहाँ आके बताता है, सबको बताता है। तो ऐसा करके हमारा 9:30 बजे तक चलता है असेंबली, 9 बजे से 9:30 बजे तक, और 9:30 बजे से 12 बजे तक क्लास 1 और क्लास रहने के लिए 12 बजे तक क्लास होता है, 9:30 बजे से 12 बजे तक। उसमें इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, और एसामिस लैंग्वेज होता है, तीनों क्लास होता है वो इन आवर में। उसके बाद 12:30 बजे के बाद क्लास 1 और क्लास श्रेणी छुट्टी हो जाता है, जिसके उसके बाद होता है 1 बजे से दूसरे का होता है, लेकिन क्लास 2, 3, 4, 5 का होता है, 12:15 तक क्लास होता है, और 12:15 से 1 बजे तक उन लोगों का लंच टाइम होता है, टिफिन होता है। उसके बाद फिर 1 बजे से 2 बजे तक क्लास होता है, और 2 बजे के बाद छुट्टी देते हैं।